मुख्य विकास अधिकारी हर्षिता माथुर ने कहा कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार 21 अप्रैल से गांवों में मनरेगा के तहत कार्य कराए जा रहे हैं। काम शुरू होने के पहले मजदूरों को सैनिटाइजर के साथ मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कराया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया कि बरसात के पहले उन कार्यों को महत्व दिया जा रहा है जिससे बारिश के दौरान कार्य प्रभावित न हो। CDO हर्षिता माथुर ने कहा कि शासन के निर्देश पर प्रवासी मजदूरों का भी डाटा तैयार किया जा रहा है जिससे उनको भी रोजगार मुहैया कराया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी हर्षिता माथुर ने कहा, देखिए मनरेगा में जो निर्देश हमको प्राप्त हुए हैं उसमें ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे मजदूर हैं उनको कार्य दिया जाए जिससे कि उनको रोज़गार मुहैया कराया जा सके। ये काम ग्राम पंचायत स्तर पे 21 अप्रैल से शुरू हुआ है। गोरखपुर जनपद में आज की डेट में करीब 9000 के आसपास लोगों को इस कार्य में इंगेज कर लिया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जहाँ भी मनरेगा की ऐसी साइट है या तो उसमें व्यक्तिगत कार्य हैं तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग आराम से मेंटेन हो सकती है, और जो बड़े भी कार्य हैं उसमें भी सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए ही कार्य कराया जाना है। इसमें मेटों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, या वहाँ पर जो भी एक मजदूर होता है उसको नामित किया जाता है। साथ ही साथ वहाँ साबुन की, मास्क की, सैनिटाइजर्स की भी उपलब्धता हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। गोरखपुर जनपद के लिए हर ब्लॉक पर भी 1500-1500 मास्क, सोप और सैनिटाइजर्स की व्यवस्था कराई गई है जिससे कि ऐसे यदि कहीं भी आवश्यकता पड़ती है वीडियोज़ के माध्यम से या जहाँ उपलब्धता नहीं होती है तो वहाँ पर भी इसको उपलब्ध कराया जा सके। मैडम बरसात का सीजन आने वाला है 15 दिन से लेकर जाते हैं, जल संरक्षण को लेकर भी गाँव में काफ़ी किया जाता है, पोखरा बनाए जाते हैं, सड़क बनाए जाते हैं, क्या इस तरह का भी काम होने वाला है? जी हाँ, ये जो अभी कार्य लिए जा रहे हैं इनकी भी मैपिंग की जा रही है जिसमें कि जल संरक्षण से संबंधित जो कार्य हैं उनको भी लिया गया है। अभी तक के लिए करीब 70 कार्य ऐसे आइडेंटिफाई हो गए हैं जिनमें 2 दिन में काम ऑलरेडी लगाया जा चुका है। इसी तरह आइडेंटिफिकेशन करके जल संरक्षण वाले जो कार्य हैं और ऐसे कार्य जो बारिश का महीना आने से प्रभावित हो सकते हैं उनको हम लोग पूर्व में कर रहे हैं। मजदूर भी बाहर से आए हैं जो गांव में इस समय रह रहे हैं, कार्ड सेंटर से बाहर निकल रहे हैं, उनके लिए भी कुछ व्यवस्था है? जी हाँ, जो निर्देश प्राप्त हुए हैं मनरेगा में, एक तो ये है कि जो नए कार्ड धारक हैं उन लोगों को जोड़ा जाए। जो प्रवासी मजदूर हैं उनका भी एक सर्वे कराया जा रहा है जिसमें कई सारे लोग इच्छुक निकल के आ रहे हैं, उसको भी इनसे जोड़ा जा रहा है। नवीन कार्ड भी बनाने के अराउंड 200 कार्ड्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। जो पुराने कार्ड्स हैं उनको भी हमें सक्रिय करना है जो इनएक्टिव हो गए थे, तो इन सभी फ्रंट्स पर काम कराया जा रहा है।